दोस्तों वैसे तो हम आए दिन कोई ना कोई फ्रूट बाजार से खरीदते रहते हैं, मगर आज के वीडियो में मैं आपको दुनिया के 5 ऐसे फ्रूट के बारे में बताऊंगा जिनके दाम सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। नंबर 1 पे आता है युबारी मेलन किंग। दोस्तों ये खरबूजे जापान में मौजूद युबारी शहर में उगाए जाते हैं, इसी वजह से इनका नाम भी युबारी मेलन रखा गया है। इन खरबूजों को एक ग्रीन हाउस के अंदर ज्वालामुखी की राख में उगाया जाता है। इन खरबूजों को पकने में कम से कम 100 दिन का समय लगता है और इन खरबूजों की कीमत आपका दिमाग हिला देगी, क्योंकि 1 किलो खरबूजे की कीमत करीबन 20 लाख रुपए है। और गाइस आप यकीन नहीं करोगे, क्योंकि 2019 के दौरान एक ऑक्शन में 2 युबारी खरबूजों को करीबन 33,30,000 रुपए में बेचा गया था। नंबर 2 पे आता है हेलिगन पाइनएप्पल। दोस्तों इस पाइनएप्पल को इंग्लैंड के द लॉस्ट गार्डन ऑफ हेलिगन में उगाया जाता है। इन पाइनएप्पल को एक ग्रीन हाउस में कोड़े की खाद और भूसे के जरिए तैयार किया जाता है। इन पाइनएप्पल को पकने में कम से कम 5 से 6 महीने का समय लगता है और इनके एक पाइनएप्पल का दाम करीबन 1,18,400 रुपए होते हैं। नंबर 3 पे आता है रूबी रोमन ग्रेप्स। दोस्तों ये अंगूर जापान में उगाए जाते हैं और इनके एक गुच्छे की कीमत करीबन 33,000 रुपए है। इनके इतने महंगे होने का कारण इनका मीठा टेस्ट और साइज है। मैं आपको बता दूं कि इन अंगूर का साइज नॉर्मल अंगूर से करीबन 3 गुना बड़ा और मीठा होता है, इसीलिए इस अंगूर की कीमत इतनी ज़्यादा है। दोस्तों नंबर 4 पे आता है टाइयोनो टोमागो मैंगो। दोस्तों वैसे तो इस आम को जापान में उगाया जाता है, मगर आपको जानकर खुशी होगी कि मध्य प्रदेश के रहने वाले संकल्प सिंह ने इसी आम की खेती इंडिया में भी शुरू की है। वैसे तो इस आम का रेट जापान में पर पीस 1 लाख रुपए है, मगर हमारे इंडिया के संकल्प सिंह सिर्फ 21,000 रुपए में पर पीस बेचते हैं। नंबर 5 पे आता है डेंसुके वाटर मेलन। दोस्तों ये तरबूज सिर्फ जापान के होकाइडो आइलैंड में ही उगाया जाता है। ये तरबूज पूरे काले रंग का होता है और नॉर्मल तरबूज से कई ज़्यादा गुना बड़ा और मीठा भी होता है। इस एक तरबूज की कीमत करीबन 18,000 रुपये है और अगर आप इन फ्रूट्स को खाना चाहते हो तो इन्हें ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे जल्दी मिलूँगा एक नए वीडियो में।